बाजे में दंग मस्ती में मगन भक्ति मेरा मैलबानी हो मुहवा काली कटार पे लाली दुष्ट के नाश करे वाली ये गांव है धर्मपुर जहां एगो दुराचारी अघोड़ी देवधर स्वामी रहेला जोन अपने आप के भगवान मानेला क्या कष्ट है आ बाबा हमार बहुत दिन से लकवा मार देला बहुत दवाई करेनी ठीक ना भइल अपने के दुआई में आइल बई बाबा ठीक कर दी जय काल भैरव उठ बाबा ठीक हो गई झुकल झुकल हम अभी अब बहुत ठीक हो गेल बानी बाबा की जय हो बाबा की दुहाई हो गांव वाला भी अंधविश्वास में पड़ के ओकरा ऊपर विश्वास करेला क्या खर्चा है बता बाबा हत्ता कमाई ने लेकिन बचत ना होकेला कैसे बची ओकर उपाय कर दी बाबा आ नजदीक आ तू नौकरी करता है चोरी नहीं करता ललाट तुम्हारा बहुत बड़ा है थोड़ा विलंब है बाबा के पास आना खाली हाथ मत आना जा तेरा इच्छा पूरा होगा ठीक बाबा बाबा की जय लेकिन उहे गांव में एगो गड़ी माई के परम भक्त पंडित और पंडिताइन रहेलन जे माता में आस्था और मेहनत में विश्वास करेलन पैसा दे चल जय काल भैरव स्वामी जी हमर बेटा के बचा ली देखी ने कर कथी भेल आंखें ने के खोलत स्वामी जी जय काल भैरव ठकरा के बहुत बाका जादू टोना लगा देला बा एकरा के डाइन मियादी देले बिया एकरा के जैसे भी ले जाई एकरा के बचा ली बाबा एकरा बिनु हम जी ना सके बाबा स्वामी जी एकर कोनो निवारण करे जाए स्वामी जी जय काल भैरव एकर निवारण हम कर दे हम मगर एकरा खतरा पूजा चाहिए पूजा में करिया बोका जंतर खतरा कुछ पैसा चाहिए जय काल भैरव ठीक बाबा एकरा खातिर एगो करिया बोका आ जंतर खातिर हम पैसा लेके आवो तनी बाबा जय काल भैरव चली जा जी स्वामी जी सुनतानी स्वामी देवधर के बात में लाग के गोविंद आपन बेटा के खो देहलन अगर माता में विश्वास करके डॉक्टर से इलाज करैले रहतन आज ओकर बेटा बच जायत तोहर बात तो ठीके बा का करबू ई गांव के लोग उहे ढोंगी स्वामी के बात में पड़ेला हमनी के बात के विश्वास कोई ना करी हमर तोहर बात कोई सुनी उ त मादारी हवे चटक देखावेला चटक उ जथी कही लोग ओकरे बात मानी हमनी के बात ना मानी ओही से तूहू चुप रह हमू चुप रहें जौन होई तौन देखल जाई भगवान बाड़न रामू काका रउआ के खोजे आयल रहनी कह के गैलन ह पंडित जी एहन त तनी भेंट करे के बा ओइसन बात बा तुसु त आराम कर हम उनकरा से भेंट करके आवतानी जल्दी भेंट करके आए ठीक बा
देख पंडिताइन, तहनी के कोख से जन्मल बेटा ही ई धर्मपुर गांव के जमींदार आ स्वामी देवधर के चंगुल से बचाई। लेकिन ई गांव में एको गो मंदिर नहीं खे, सब लोग उपाखंडी देवधर स्वामी के ही विश्वास करेला। तहनी के ई गांव में एगो माई के मंदिर स्थापना कर जहां हम आके बैठ सके। माता 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 का भइल हो, कोनो खराब सपना देखलू हो का? ना, बहुत बढ़िया सपना देखने हो। सपना में माता जी आयल रहनी और हमने के पुत्र होय के आशीर्वाद देनी हो, और उहे पुत्र स्वामी देवधर और जमींदार के गांव के चंगुल से बचाई। और ये माता जी कहनी हो ई गांव में एक गो मंदिर बनाव। ई तो बड़ा खुशी के बात बा पंडिताइन, भगवान के घर में देर बा, अंधेर नहीं खे। हमुओ कितना दिन से मंदिर बनावे के सोचत रहनी है, घर में खुशियाली होई तो जरूर मंदिर बनाए। कैसन पंडिताइन? ठीक बा। आवा आवा दीदी बहिनी, आवा आवा बाबू माई, हमनी सब मिलके गाई गढ़ी माई गढ़ी माई, गढ़ी माई गढ़ी माई, गढ़ी माई गढ़ी माई, गढ़ी माई की जय, गढ़ी माई की जय, गढ़ी माई की जय। का हो बालक, गांव गांव सड़क सड़क काहे भटकता रह? देखी न बाबा, हम अपन माई के खोजी में निकलल बानी, वो हमरा से किन्हू रुष्ट होके चल गेल बिया बाबा। मूर्ख बालक, उ तोहर माई ना रहे, साक्षात गढ़ी माई रहे। ई का कहतनी बाबा, हमर माई के हो और कहा बारी? तोहर माई बाबू गढ़ी माई के बड़का परम भक्त रहेलो, उनकरे कृपा से तोहर जन्म भइल। तोहर जन्म धर्मपुर गांव के स्वामी देवधर आ जमींदार के पाप मिटावे खातिर भइल। ओही से माताजी तोहरा के अपन परवरिश के खातिर तोहरा लगे रहे। ई गढ़ी माई के है, उनकर उत्पत्ति कहाँ बा, उनकर महिमा काथी है? तू गढ़ी माई के कहानी सुने के चाहता रह? हाँ बाबा। अब लोक चर्चा में करीब 600 बरस पहले के घटल घटना है। हिमाल क्षेत्र अंतर्गत नारायणी अंचल बारा जिला बरियारपुर गांव के एक गरीब घर में परोपकारी व्यक्ति श्री भगवान चौधरी रहे, जकर अपन नाव गुण स्वभाव से भगवान प्रति बहुत आस्था रखत रहे, और उनकर गुण आ स्वभाव के कारण गांव के लोग उनका प्रति विश्वास आ आस्था रखत रहे। दैविक संजोग से श्री भगवान चौधरी के घर में चोरी वास्ते चोर घुस जाला। इतना रात कुत्ता कहाँ लग भुकता है? कुत्ता भुकते मातर चोर होई, बहुत रात हो गई, चुपचाप सुत रहा। चोर 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 पकड़ 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 चोर चोर पकड़
चोर आबा चोर पकड़ पकड़ एक बार मारी खूब से मारी खूब से मारी एक बार एक बार मत चोरी एक मारी मारी रे और मारी मत चोरी एक बार मत कर मार मारी एक बार मत चोरी एक बार का कैल तू सब छोटा सा गलती में इतना बड़ा सजा है इत अनर्थ हो गए अनर्थ कैसे मर गई कौन मर लखे एकरा के ई चोर ह चोरी करे आए रहे रात के अंधेरा में हमनी सन के हाथ से गलती से मर गेल ई गांव के सब आदमी के पकड़ के ले चल ई गांव वाला के गलती नहीं है ई गलती हमार ई गांव वाला के छोड़ दी एकर जिम्मा हम लेता नहीं भगवान चाचा एक बार सोच ली ना तो सारा जीवन कारागार में बितावे के पड़ी साहेब ई खून हमरे से भइल बा ए एकरा के ले चल भगवान चौधरी के सजाए के रूप में काठमांडू के जेल में डाल दहल गई। जेल में बंद के अवस्था में श्री भगवान चौधरी भक्ति भाव से भगवान के याद में अपन समय व्यतीत करत रहलन। एक रात के बात है, भगवान चौधरी जेल के भीतर सुतल अवस्था में वहाँ के सपना में मकवानपुर गढ़ी के गढ़ी माई आवेली आ उनकरा से कहेली। भक्त भगवान चौधरी, भगवान चौधरी, कौन दुष्ट तोहरा के ई बिकट कारागार में रखले बा भगवान चौधरी? एके गो बात सपना में बारंबार कहे आवत आ। भक्त भगवान चौधरी, भगवान चौधरी, कौन दुष्ट तोहरा के ई बिकट कारागार में रखले बा? कौन दुष्ट तोहरा ई बिकट कारागार में रखले बा? कौन दुष्ट बा जे तोहरा ई बिकट कारागार में रखले बा? भगवान चौधरी, एके गो बात सोते जाते बारंबार काहे आवता? जे केहू बार सामने आव, माई माई अपने के बाने? माई हमरा के साक्षात दर्शन दी। हमरा से मत डेराव बेटा, हम गढ़ी माई बानी, का तू हमरा अपन गांव ले चलब? माई हम अपने के कैसे ले जा सका? माई हम चार दीवानी में कैद मानी। माई हाथ में हथकड़ी पाँव में बेड़ी पड़ल बा। माई पहले तू हमरा के वचन द, तू हमरा
आपन गांव ले चल बा, तब हम तोहरा ई कारागार से मुक्त कराएं। हम वचन देता नहीं भाई कि अपने के अपन गांव ले चलब और अपने के खूब सेवा करब। धन्य हो माई। रुका बेटा, बेटा का तू अपन माई के खुश रखे खातिर पांच नरबली चढ़ाई बा? माई पांच नरबली ना चढ़ा सका माई, लेकिन अपने आप के चढ़ा दे माई। ठीक बा, का तू प्रत्येक साल विधि पूर्वक पूजा पाठ करके पांच बलि चढ़ाई बा? माई हम बहुत गरीब बरी माई, प्रत्येक साल बलि ना चढ़ावे सका माई, बरु पांच वर्ष पर विधि पूर्वक पूजा पाठ करके पांच बलि चढ़ाएं। जंगली मूस, सुअर, मुर्गा, बोका और भैंसा चढ़ाएं माई। ठीक बा बेटा, चल। बेटा तू आगे आगे चल, हम तोहर पीछे पीछे आवता नहीं। ठीक बा माई। माई कहाँ चल गई हूँ माई, माई कहाँ चल गई हूँ माई, ये जंगल में हमरा छोड़ के कहाँ चल गई हूँ माई, माई कहाँ चल गई हूँ माई, माई आवा ना, हम अपन गांव कैसे जाई माई, बीच जंगल में हमरा छोड़ के कहाँ चल गई हूँ माई, अपन गांव कैसे जाई माई, माई आवा ना माई, हम अपन गांव कैसे जाई। माई हमें छोड़ के कहाँ चल गए रलू माई। बेटा हम तो तोहर आसे पासे बानी बेटा। माई हम अपने के अपन गांव कैसे ले जाएं माई। बेटा तू हमर चरण की धूल अपन पगड़ी में बांध ला, तोहर अपने आप रास्ता दिख जाई। धन्य हो माई, धन्य हो। Thank you.
माई, हम आ गई नी माई, हम अपन गांव आ गई नी माई, कहाँ बारू माई, हम अपन गांव आ गई नी माई, माई हम अपन गांव आ गई नी माई, अब हम का करी। बहुते सुंदर हरियाली रमणीय वातावरण में तोहर गांव बा बेटा। आजू से हम इहे बरगद के गाछ में रहेम, आजू से हम इहे त्रिशूल में रहेम आ हमरा गढ़ी माई के नाव से पूजा पाठ करी हा। धन्य हो माई, धन्य। भगवान चचा, अपने तो जेल में रहनी, कैसे आ गई नी? रउआ जेल से भाग के आ गई नी? ठीक बा, रउआ के घर में लुका देवल जाई। पुलिस आई तो हम कुछ न बताए। ना हम जेल तोड़ के आल बारी, ना हम भाग के आल बारी, हमरा तो ई गढ़ी माई ले के आल बानी। ई मकवानपुर के गढ़ी माई है जोन हमारा जेल से मुक्त करा के ले आल बानी। तू जेल से भाग के चल रही ला? अब पहले से भी बड़ा सजा मिली और काल कोठी में बंद कर दे हम। हम जेल से भाग के ना आयल बनी, हमरा के ई गढ़ी में लेके आयल बनी। ई गढ़ी में के है? हे माई, जैसे हमरा जेल से मुक्त करेनी ओसे ही अपन शक्ति से हमरा के बचा ली। ई गढ़ी माई है, अब से यही जगह रहे, हम सब मिल के पूजा पाठ करल जाओ। ई तो बड़ा खुशी के बात बा जे तू गढ़ी माई के अपन गांव लेके आईला। भगवान चाचा, गढ़ी माई के पूजा करे लेल गांव में सबके कहम। भगवान चाचा, भगवान चाचा, देखिए रामर बाबू के लकवा मार दल के। कुछो ना होई, माता पर विश्वास कर, सब ठीक हो जाई। भगवान चाचा, हमरे को बेटा रहे वो छोड़ के चल गए। माता पर विश्वास कर, सब ठीक हो जाई, कुछो ना होई। माता पर विश्वास कर, कुछो ना होई, सब ठीक हो जाई। हम जनाना के कथी हो गए बाहो दादा, हम जाते नहीं भगवान चाचा के लगे। भगवान चाचा रुआ कैसन देवी के गांव में लेनी कि लड़का से जमान तक तब मरते जा रहल बा। आई हो दादा। माई गांव के रक्षा करी। माई गांव के लोग हमरा पर लालछन लगावी तो कोई बात न रही, लेकिन तोहरा पर लालछन लगाई तो हम सहे ना सकम है। अगर ई पर को बंद ना हुई माई तो हम अपने आप के मिटा देंगे। रुका बेटा,
बेटा तोहर ई गाँव हमर नेत्र के ठीक सामने पड़ेला, उही से ई गाँव में ऐसन समस्या देखा पड़ रहल बा। ई गाँव के हटा के हमर नेत्र के दक्षिण दिशा में ले जावा, ई गाँव के लोग खुशहाल हो जाई। धन्य हो माई। रुका बेटा, हमर बात समाप्त नइखे भइल। का बात हो माई? बेटा इतने से ही ई गाँव के समस्या समाधान ना हुई, हमरा पंच बलि के साथ नर बलि चाही। माई, चाचा नर बलि देवेला तैयार बानी? ना ना ना। गरी मई के नरबलि देवे ला तैयार बानी? ना ना, हम ना देहम। ना ना ना, हमू ना देम। प्रणाम। का गरी मई के नरबलि देवे खातिर तैयार बानी? हम नरबलि के रूप में अपन छाती चीर के 5 बूंद खून देवे के तैयार बानी, लेकिन हमरो घर में गरी माई के साक्षात सवारी होके के पड़ी। माई, हमरे लखन भक्त मिल गेल बा माई, हमनी सके प्रत्यक्ष दर्शन दिल जा माई। तथास्तु। धन्य हो माई। ओकरा बाद उठाओं में गढ़ी माई के नाम से पूजा पाठ होखे लागल। तत्पश्चात नरबलि के रूप में 5 बूंद खून, पंचबलि के रूप में जंगली मूस, सुअर, मुर्गा, बोका और भैंसा के साथ विधि पूर्वक गढ़ी माई के नाव से बरियारपुर में पूजा पाठ शुरू होखे लागल।
इहे कारण से पांच बलि के साथ मेला लागल शुरू भइल। प्रत्येक पांच साल में गढ़ी माई के बड़का मेला लागेला। उ पूजा में भगवान चौधरी के हाथ से प्रथम पूजा पाठ भइल रहे। ओही कारण से उनकर वंशज पूजा पाठ में बैठेला तथा पुजारी कहालन। आ नर बलि देवे वाला प्रथम व्यक्ति रौतहट के सेमरी गांव के होखे से उनकर वंशज ही गढ़ी माई के धामी कहालन। भगवान चौधरी के दिन भक्ति भाव माई के पूजा पाठ से ही उनकर दिनचर्या एकदम खुशियाली के साथ बीतत रहे। श्री भगवान चौधरी गढ़ी माई के सच्चा भक्त रहलन। वही कारण से जब वो घर से बाहर जात रहलन तो उनका नाव से खाना निकाल दहला पर भगवान चौधरी के पेट भर जात रहल। एक दिन के बात है, भगवान चौधरी घर से कहीं बाहर गए रहलन आ घर में उनकर नया बहू आई रहे। माई, बाबूजी कहाँ बानी? खाना खाए के समय हो गइल बा। बेटी, उनका नाम के खाना द्वारे पर रख दा। गौरी माई, उनका नाम के खाना उनका के खिया दे। ठीक बा माई। खाना तो बाबूजी खाइए लेलन, अब दूध उनकर नाम में चढ़ा देता नी। जी बाबूजी। का तू गरिमै के भक्त पर विश्वास ना रहे? जोन गरम दूध क के हमर मुंह चला देल, ई परिवार के जनानी ऊपर से विश्वास उठ गेल। ई परिवार के कोई भी बहू माता गरिमै के मंदिर में पूजा पाठ ना कर सकी। कोई भी बहू पूजा मंदिर में जाके करी उ संतान बीन हो जाई, संतान कभी ना होई, बुझलू बाबूजी? अनजान में हमरा से बहुत बड़का गलती हो गई। हम अपने ही बहु बेटी है, हमरा के क्षमा कर दी बाबूजी, हमरा के क्षमा कर दी बाबूजी। हम तो शराब तोहरा दे देली, इस शराब वापस ना हुई। तू गरी माई के ध्यान धरा, उनका के प्रसन्न करा, गरी माई कोई न कोई उपाय बता दी। ठीक बा बाबूजी, प्रणाम। माई, हमरा के माफ कर दी माई, अनजान में हमरा से बहुत बड़का भूल हो गई। एक भूल के कारण से सारा बहू के पूजा पाठ से वंचित मत करो माई, हमरा के माफ कर दी माई, हमरा के माफ कर दी माई। हमर बात ध्यान से सुना,
प्रत्येक 5 साल में सिर्फ एक बार मार्ग शुक्ल सप्तमी के रात में तहनी सब बहू के दीप जला के माता के पूजा पाठ करे के मौका मिली। इतना ही ना, सिर्फ एक दिन के दीप जला के पूजा पाठ कैला से गढ़ी माई प्रसन्न हो जाए और सालों साल के भक्ति के समान तहनी के फल प्राप्त होगी। धन्य हो माई, रउआ हमर प्रार्थना स्वीकार कैली, राउर आशीर्वाद से हमनी के निसंतान होके से बचा लेनी। बहुते सुंदर मंदिर बा, गढ़ी माई के मंदिर बहुत ही मनमोहक होखे के कारण से बहुत दूर दूर से दर्शनार्थी लोग भक्तजन दर्शन करे आवेला। मंदिर के पश्चिम में एक बहुत सुंदर निर्मल पोखरी बा, जेकर पश्चिम तट पर गढ़ी माई के सिपाही, द्वारपाल, जंगी नट, छठू नट, गंगाराम, मोतीराम के स्थान बा। मान्यता बा कि गढ़ी माई के पूजा पाठ पश्चात उनकर सिपाही के भी पूजा पाठ एवं चढ़ावन चढ़ावल जाला, ओकरा बाद ही गढ़ी माई के पूजा पूर्ण सफल होखेला। पोखरी के दक्षिण में बाबा कलेश्वरनाथ आ गढ़ी माई के मंदिर से 200 मीटर पूरब में बरहम बाबा के मंदिर बा। उत्तर में एक बड़ा मैदान बा, मैदान के पश्चिम में पुजारी बाबा भगवान चौधरी के समाधि स्थल बा, जे गढ़ी माई के स्थापना कैलन। बरहम बाबा के चौतारा के उत्तर में राजदेवी वनशक्ति माई आ पूरब में गड़बड़ा माई के स्थान और दक्षिण में दुर्गा माई आ काठ गाड़ल स्थान जाठ जाठिन के हो। उनकर पश्चिम में कंकाली माई के स्थान जहाँ पर सुगर के बलि चढ़ावल जाला। चौतारा के सीढ़ी के उत्तर में हरपति राजा के स्थान आ पश्चिम के खंबा में महिषासुर के पूजा होखेला। बरहम बाबा के दक्षिण पकड़ी के पास धामी बाबा के पूजा होखेला। गांव के उत्तर गेट जैसन पीपल के दुगो गाछी आ जहाँ रुखर नाथ आ सातो बहन संसारी माई, जोरलाही माई, सभे माई, रमना कमना माई, गड़बड़ा माई, राजदेवी माई, वनशक्ति माई के पूजा होखेला। इनकर मंदिर में हरेक साल के मकर संक्रांति खिचड़ी के दिन बड़का मेला लगेला। संसारी माई के पूजा हरेक साल के आषाढ़ महीना में होखेला। संसारी माई के पांचवा पूजा अर्थात गढ़ी माई के मेला लागे वाला साल संसारी माई के पूजा पश्चात उहे रात गढ़ी माई के मूल धामी जे नरबलि के रूप में 5 बूंद खून चढ़ावेलन। उहे धामी गढ़ी माई के पूजा करके धार्मिक विधि से अक्षत पढ़ के पुजारी तथा सहकर्मी के साथ तैयारी कैल अक्षत माटी के ढक्कन में रख के गढ़ी माई के एगो निश्चित सीमाना में छीट के लक्ष्मण रेखा के तरह सीमाना खींचल जाला, जैसे गांव में कोनो किस्म के बाधा अड़चन ना आवेला। लक्ष्मण रेखा खींचला के बाद गांव के बहु बेटी अपन नैहर ना जाला, नैहर से अपन ससुरा ना आवेला। लक्ष्मण रेखा तैयारी भइला के बाद कोनो भिखारी के भीख देवे लेवे के ना होला। लक्ष्मण रेखा तैयारी भइला के बाद गढ़ी माई अपन सातो बहिन के बुलावेली, जैसे कोई के घर में कोनो किस्म के यज्ञ समारोह होखला पर अपन पर पाहुन लोग के बुलावल जाला, वैसे ही गढ़ी माई अपन सातो बहिन लोग के बुलावेली, जैसे गांव के दुख दरिद्र भाग जाला। संसार के एकमात्र बलि प्रधान गढ़ी माई के मेला जहाँ लाखों भक्त के भीड़ लागेला। अगहन महीना के शुद्धि सप्तमी के दिन सवेरे पूजा के सभी विधि पश्चात गढ़ी माई के सवारी बरहम बाबा के मंदिर में होखेला आ आपरूपी दीप प्रज्वलित होखला पर ही पंचबलि देहल जाला। जब गढ़ी माई के सवारी अपना स्थान पर आ जाला, ओकरा बाद प्रज्वलित दीप बत्ती बुझा जाला, ओकरा बाद बलि चढ़ावल बंद हो जाला। बाकी रहल भैंसा के दाहिना कान काट के छोड़ देहल जाला, जवन की 5 बरिस के बाद बलि चढ़ावल जाला। दूसरा दिन अष्टमी के दिन एगो खोसी के बलि गढ़ी माई के स्थान पर चढ़ावल जाला। गढ़ी माई के विधिवत पंच बलि के अलावा अन्य बलि
हांस परेवा हांस के अंडा भी चढ़ावल जाला। लेकिन गढ़ी माई के पुजारी घराना के खसी बलि ब्रह्म बाबा के मैदान में अवस्थित पुजारी बाबा भगवान चौधरी के समाधि स्थल पर ही चढ़ावल जाला। बाकी रहल खसी और अन्य बलि नवमी के पुजारी घर के रहल गढ़ी माई के स्थल पर चढ़ावल जाला। नवमी के दिन बाकी रहल बलि मेला के मकर संक्रांति के दिन चढ़ावल जाला। मकर संक्रांति के छूटल बलि उहे साल के फागुन पूर्णिमा में चढ़ावल जाला। फागुन पूर्णिमा के छूटल बलि 5 साल के बादे ही चढ़ावल जाला। चढ़ावल बलि के खून में माछी ना लागे के इहो एगो गढ़ी माई के विशेषता हो। बाबा बाबा रोवा कहाँ चल गई बाबा बाबा। बाबा हम संग लाल चुनरिया ना बा चुनरी लाल हो लाल हो लाल हो। ना बा हम संग लाल चुनरिया ना बा चुनरी लाल हो। कैसे आई हम मई दुअरिया तोहार हो। कैसे आई हम मई दुअरिया तोहार हो। नहीं आईनी माई तू ही बोलैले भक्ति जगा के आजू बानी बोले। हम नहीं आईनी माई तू ही बोलैले भक्ति जगा के आजू बानी बोले। पहले हंसा के बानी रोले बानी रोले। ना बा हम संग कुआ मलाई ना बा अबीर बा लाल हो लाल हो लाल हो। ना बा हम संग कुआ मलाई ना बा अबीर बा लाल हो। कैसे आई हम मई दुअरिया तोहार हो। कैसे आई हम मई दुअरिया तोहार हो।